इंसानों का फ्यूचर कैसा होगा? क्या भविष्य में इंसानों के बच्चे मशीन पैदा करेंगे? बच्चे नकली गर्भ से पैदा होंगे, लेकिन कैसे? आप इस वीडियो में देख सकते हो, सिर्फ बच्चे पैदा ही नहीं होंगे बल्कि आप उसके अंदर जैसा चाहो वैसा बदलाव कर सकते हो। किस तरह का बच्चा आपको चाहिए वैसा बदलाव कर सकते हो सिर्फ उसके जीन्स में बदलाव करके। इसमें महिलाओं को गर्भवती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही डिलीवरी के समय होने वाले दर्द को बर्दाश्त करना होगा। आप अपने बच्चों को बड़े होते हुए देख सकेंगे। असल में यह दुनिया का पहला आर्टिफिशियल वॉर्म फैसिलिटी है जिसमें बच्चे बर्थ पॉट्स में विकसित किए जाएंगे। ये दावा किया है साइंस कम्युनिकेटर हसेम अल खेली ने। हसेम कहते हैं कि भविष्य में बच्चे पुश बटन तकनीक से पैदा होंगे। बच्चे पैदा होंगे लेकिन महिला के शरीर में नहीं बल्कि बर्थ पॉट्स में, एक ऐसा भ्रूण जिसे आप अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को धीरे धीरे बड़ा होता हुआ देख सकेंगे हर हफ्ते हर महीने। इस फैसिलिटी का नाम है एक्टोलाइफ। यहाँ पर एक कंप्यूटर मैट्रिक्स बनाया जाएगा जिसमें इंसानी आदतों का पूरी डिटेल होगी। आपको किस तरह के बच्चे चाहिए वैसे बच्चे पैदा किए जा सकेंगे। यानी आपको फुटबॉलर बच्चा लेना हो तो जेनेटिक्स में वैसा बदलाव करके बच्चा पैदा कर सकते हो। अब ये बात पॉट्स अपने घर में भी लगवा सकते हो ताकि आप अपनी आंखों के सामने बच्चे को बड़ा होता हुआ देख सके। और इस भ्रूण केंद्र में 400 बेबी पॉट्स होंगे, सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी से चलेंगे। आप अपने बच्चे के जरूरी वाइटल्स को ऐप के जरिए मॉनिटर कर सकेंगे, कोई भी सुधार कर सकेंगे। पारदर्शी पॉट्स में रखे बच्चे को देखकर लगता है कि यहाँ पर बच्चे की खेती हो रही है, जबकि हसेम का कहना है कि ये कॉन्सेप्ट है, इसे लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन बाथ पॉट्स में आर्टिफिशियल कार्ड होंगी जो ऑक्सीजन और पोषक तत्व को बच्चे तक पहुंचाएंगी। पॉट्स आर्टिफिशियल अमनियोटिक तरल परत से भरे होंगे जिसमें जरूरत के हिसाब से हार्मोन्स डाले जाएंगे, जेनेटिक बदलाव किया जा सकेंगे। इन पॉट्स को बायो रिएक्टर से चलाया जाएगा। इन पॉट्स में हर दिन हर हफ्ते के हिसाब से और विकास के हिसाब से पोषक तत्व डाले जाएंगे। ऐसे जेनेटिक बदलाव किए जा सकेंगे कि आपको अपना मन माफिक बच्चा मिले, उसे जो बनाना चाहते हो वैसा बच्चा पैदा होगा। बच्चे में ऐसे बदलाव किए जाएंगे ताकि उसके पेरेंट्स को उससे अपनापन महसूस कर सके। हसेम कहते हैं कि एक्टोलाइफ एक साइंस फिक्शन है जिसे लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंसानों को ऐसी तकनीक विकसित करने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, ये आसान प्रक्रिया नहीं है। मैंने इसे सिर्फ इसलिए बनाया है कि ताकि लोग ऐसी तकनीकों पर चर्चा कर सके। और एक महिला के लिए गर्भधारण करना कोई मजाक की बात नहीं है, ये दर्द से भरी होती है, महिलाओं की हालत खराब कर देती है। कई देशों में गर्भधारण करना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। हम सिर्फ एक आइडिया देना चाहते हैं कि इस तरह से बच्चे पैदा हो सकता है। अगर कोई महिला गर्भवती है और उसे कोई बीमारी है तो गर्भ में पल रहे उसके बच्चे को भी दिक्कतें होंगी। इन बाथ पॉट्स में हम सेहतमंद बच्चे पैदा कर सकते हैं और वो महिला अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए माँ बन सकेगी। अगर 400 पॉट्स वाले 75 केंद्र लगा दिया जाए तो हर साल 30,000 काबिल सेहतमंद और मन माफिक बच्चा पैदा किया जा सकेंगे। आप अपने घर में ये पॉट्स लगवा सकते हैं ताकि जब मन करे आप अपने बड़े बच्चे के लिए छोटा भाई या बहन पैदा कर सके। ये वीडियो आपने देख लिया, अब एक सवाल आपके लिए है, क्या साइंटिस्ट को ऐसा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए? इसे समझ पर कैसा बदलाव आ सकता है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर देना ताकि नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।